हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा ये पैटर्न है। बहुत ही सुंदर है। 6 रो में ये बन करके फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसे किसी भी प्रोजेक्ट में आप अप्लाई करें, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमने 2 फ्लावर हमने बनाया है ये 12 रो में, और 6 रो में 1 फ्लावर कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको देखिए, ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। आप दोनों साइड से आप इसे यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो स्वेटर में अप्लाई करें, या कैप में, या मफलर बनाएं, या ब्लैंकेट बनाएं, ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आपको ये डिज़ाइन बताना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स देखिए, ये डिजाइन पैटर्न जो है 5 के मल्टीपल बनेगा। इसके लिए हमने देखिए ये फर्स्ट फंदे स्लिप कर लिए, ऊन के धागे को अब फ्रंट साइड करेंगे। ये रो 1 है और इसे हम ऐसे उल्टा बुनते हुए रो 1 कंप्लीट करेंगे। फाइव के मल्टीपल फ्रेंड्स ये डिजाइन पैटर्न बनेगा। प्लस 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा एड स्टिच लिए हुए हैं और प्लस 1 फंदा और एक्स्ट्रा लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट रो राइट साइड उल्टा बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। अब हमारा आ गया सेकंड रो रॉन्ग साइड, तो इसे हम सीधा ऐसे बुनाई करते हुए कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स ये रो 2 है। देखिए इस तरह सेकंड रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा थर्ड रो है राइट साइड। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और सभी फंदों को ऐसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये थर्ड रो है राइट साइड है फ्रेंड्स। देखिए थर्ड रो राइट साइड इस तरह कंप्लीट कर लेते हैं। अब देख रो फोर है रॉन्ग साइड है। अब इसे हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। ये 4 रो ऐसे ही हमें उल्टा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। और इसके बाद 5th रो में आपको डिजाइन पैटर्न बनाना है। रो 4 इस तरह कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड 4 रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए राइट साइड है। अब यहाँ पर हम डिजाइन पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, 1 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। इसके बाद देखिए हमारा ये 2 फंदा इधर रहेगा, 2 फंदा इधर रहेगा। जो हमारा ये बीच वाला फंदा है उसके नीचे देखिए 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर जो 4 होल दिख रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसके नीचे का ऐसे 4 होल दिख रहा है, यहाँ से हम सिलाई को ऐसे डालेंगे, उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे पहले, इसके बाद हम यहाँ पर सिलाई को ऐसे डालेंगे और 1 लूप यहाँ से लेंगे ऐसे। इसके बाद 2 फंदों को हम सीधा बुनाई करेंगे, 1 2 2 फंदों को सीधा बुनाई करेंगे। सेम होल से हम अगेन 1 लूप लेंगे। देखिए हमारा इस सेकेंड लूप है। इसके बाद 2 फंदे हम सीधा बुनाई करेंगे, 1 2 इसके बाद देखिए सेम होल से हम 3rd लूप लेंगे। देखिए ये देखिए हमारा, अब अगेन 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे।
अब देखिए यहाँ पर हमें इसी पैटर्न को रिपीट करना है, 1 2 3 4। ये जो 4 होल दिख रहा है यहाँ से हम 1 लूप लेंगे और इसके बाद 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2। इसी जगह से हम सेम होल से हम जो है सेकेंड लूप लेंगे, थोड़ा सा इसे ऐसे बराबर में कर लेते हैं। देखिए हमारा ये सेकेंड लूप हो गया। अब 2 फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे, 1 2। सेम होल से हम थर्ड लूप लेंगे, अब देखिए इसी पैटर्न को अगेन रिपीट करना है, 1 फंदा सीधा। अब यहाँ जो हमारा ये थर्ड दिख रहा है इसके नीचे से 1 2 3 4, यहाँ से 4 होल से हम 1 लूप लेंगे ऐसे, और देखिए 2 फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे, 1 2। सेम होल से देखिए हम सेकंड लूप लेंगे, और 2 फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे, 1 2। सेम होल से हम ये थर्ड लूप लेंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे बराबर करेंगे, और देखिए 1 फंदा हमारा ये नीटिंग करेंगे, और इस साइड का एड स्टिच है इसे भी हम सीधा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये देखिए डिजाइन पैटर्न फिफ्थ रो कंप्लीट हो गया है। अब हम 6th रो में आते हैं। तो हमारा ये 6th रो रॉन्ग साइड है, तो अब देखिए हमें इसे कैसे बुनाई करना है। फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब देखिए 1 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए 1 लूप 1 फंदा एक साथ बुनेंगे, फिर 1 फंदा बुनेंगे, फिर 1 लूप 1 फंदा एक साथ बुनेंगे, फिर अगेन 1 फंदा बुनेंगे, 1 लूप 1 फंदा एक साथ बुनेंगे। अब देखिए इसी पैटर्न को रिपीट करना है। अब देखिए 1 लूप 1 लूप 1 फंदा एक साथ, फिर 1 फंदा, फिर 1 लूप 1 फंदा एक साथ, फिर 1 फंदा, फिर 1 लूप 1 फंदा एक साथ, ऐसे बुनेंगे। देखिए 1 लूप 1 फंदा एक साथ, 1 फंदा बुनेंगे, फिर 1 लूप 1 फंदा एक साथ, फिर 1 लूप 1 फंदा एक साथ, सॉरी 1 फंदा बुनेंगे, इसके बाद 1 लूप 1 फंदा एक साथ। ये साइड का एड स्टिच है, इसे उल्टा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये 6th रो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसी तरह जो है ये देखिए राइट साइड है, कितना खूबसूरत और प्यारा सा पैटर्न बनकर आया है। फ्रेंड्स इसी 6th रो को आप रिपीट करते जाएंगे तो ये डिजाइन पैटर्न बनकर इतना खूबसूरत आता है। तो फ्रेंड्स आप बनाइए, आपको डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।